क्या कमाल की बैटिंग, क्या कमाल की जो है वो बैटिंग का मुजाहरा किया अश्वन ने और साथ में श्रेयस अय्यर ने, एक जीता हुआ मैच जो है बांग्लादेश की जोरी से छीन लिया है। व्हाट अ मैच, व्हाट अ फिनिश। आखिरी आज सुबह 2 घंटे इंट्रीगिंग टेस्ट क्रिकेट, फुल टेंस फिनिश। दिल थमे हुए थे लोगों के, लोगों की पैल्पिटेशन हो रही थी। 70 रन इंडिया दूर था, 75 रन दूर था जब 3 विकेटें रह गई थी। ओफ, व्हाट अ फाइट, व्हाट अ ब्रिलियंट फाइट। बट द मैन ऑफ क्राइस श्रेयस अय्यर, वेल डन। ही डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम इंटायर इंडियन स्क्वाड। ही डिजर्व्स अ माइटी अप्लॉज। क्योंकि भैया ये होती है जब आप बाहर बैठते हो और मेहनत करके वापस आते हो ना। यार लव है यार, श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि आप 50 कप्तान बनाए या 60 बनाए, कहानी वहीं से शुरू करो जब विराट कप्तान थे और मैं उनका नायब कप्तान था। श्रेयस अय्यर ने ये मैसेज बीसीसीआई को खुसूसन रॉजर बिनी साहब को दे दिया है भाई। 42 और 29 इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के बहुत बड़े रन हैं। इनको सुनहरे लफ्जों में लिखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है उन सबके लिए जो बाहर बैठ के आज तमाशा देख रहे थे और बाहर बैठ के ये देख रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने आज किस तरह इंडिया को बचाया। क्या कमाल की बैटिंग, हर बार आप पूरा श्रेयस अय्यर ने बचाया, इस बार फिर से श्रेयस अय्यर ने और अश्वन ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो दिखा दिया है कि भाई एक्सपीरियंस यहां काम आता है। एंड सेम गोस फॉर रविचंद्रन अश्विन कि किस तरह जब व्हेन इट मैटर्स एवरीथिंग We have to stand up for our team and they exactly did this this morning. क्योंकि शायद ये आज 70-75 रन, ये सिर्फ 70-75 रन नहीं थे, ये साइकोलॉजिकली सिर्फ 70-75 रन थे, लेकिन जब ये रन बनाने गए ना तो एक ऐसा लग रहा था कि रन का पहाड़ है और बांग्लादेश के बॉलर्स की हर बॉल पड़ेगी तो वो इतना 2-2 गज बॉल घूमेगी और उसके सामने किस तरह सर्वाइव करेंगे। आखिर में हुआ क्या, जो आपने लितुन दास और तस्कीन से 60 रन करवाए थे वही आखिर में आके हलक में कांटे की तरह टकने लगे। और यही टेस्ट मैच का हुस्न है, एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन एक ही टीम जीतेगी जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में बेहतर अप्लाई करेगी। और जिस तरह आज श्रेयस अय्यर और अश्विन ने आज सुबह अपने आप को अप्लाई किया, शायद सबके लिए वो लेसन है कि भैया खेलना है तो फिर इस तरह क्रिकेट खेलनी है, इस तरह हमने अपनी टीम को रेस्क्यू करना है। लेकिन इस सबसे ये सारी चीजें दूर नहीं हो जाती, दैट इट्स अ बिग वेकअप कॉल फॉर टीम इंडिया एज़ वेल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेस्ट मैच से जाके रिफ्लेक्ट करनी पड़ेंगी, इस टेस्ट सीरीज से रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है द राइट एंड द राइट सिलेक्शन एंड सिलेक्शन दैट इज बेस्ड ऑन द मेरिट। कुलदीप यादव मिसिंग, कुलदीप यादव भी आज हलक में आ जाता, क्योंकि अगर आज 1-1 होती ना सीरीज तो बात यही आ जाती कि टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई और ओडीआई सीरीज हारे। लेकिन अब तो व्हाइट वॉश में बदल गया, ये जो व्हाइट वॉश था ना ये 1-1 में बदलता, लेकिन 1-1 को रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर की रेजिस्टेंस ने इसको 1-1 में बदल दिया। So well fought by Team India, not Team India, well fought by Ashwin and Iyer and brilliantly fought by Bangladesh. रविचंद्रन अश्विन के 42 रन ज्यादा हैं, लेकिन वो जो 29 रन श्रेयस अय्यर के ना वो बहुत बड़ी अहमियत है, वो बहुत अहमियत और एक इतना बड़ा लेसन है सबके लिए कि अगर किसी की फॉर्म या किसी की वीकनेस होती है ना, अय्यर की फॉर्म कभी भी स्पिनर्स के खिलाफ बुरी नहीं थी, उसका जो मसला था वो था पेसर्स के खिलाफ, हमेशा से उसकी स्ट्रगल थी पेसर्स के खिलाफ। एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब हमारे अंदर कोई वीकनेस होती है ना तो हमें क्या करना होता है, हमें दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाना होता है, हमको दोबारा अपने आप को रीडिस्कवर करना होता है। और एग्जैक्टली श्रेयस अय्यर ने यही किया, ही रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ। श्रेयस अय्यर यो ब्यूटी, कमाल की जीत हासिल की है और कमाल की बैटिंग एक ऐसे टाइम पे आके जहां पर आपकी टीम फंसी हुई है, मुश्किल में है, शायद यहां से इम्पॉसिबल लग रहा था, वहां से आके इस तरह से मैच निकाल लेना यार, मुंह से जाओ टाइगर के मैच छीन लेना, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। कमाल की बैटिंग, अश्वन 62 बालों के ऊपर 42 स्कोर, 4 चौके 1 छक्का, उसके बाद श्रेयस अय्यर 46 बालों पे 29 स्कोर, 4 चौके, ओए होए होए होए, OMG, बता दिया उसने एक्सपीरियंस। क्या मेहदी हुसैन तो क्या शाकिब तो क्या खलीद, जो आया उसकी पिटाई, जो भी आया। और आज एक और चीज साबित हो गई है कि भाई साहब आप जो है जितना डर के खेलेंगे उतना आप फंसेंगे, जितना आप अटैक करेंगे उतना आप जाओ निकलेंगे बाहर। और आज देखें अटैक किया श्रेयस अय्यर ने और अश्वन ने, मैच आपके हाथ में, 12 पॉइंट्स आगे, व्हाइट वॉश हो गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यार मैं सैल्यूट पेश करता हूं अश्वन को भी और सैल्यूट पेश करता हूं मैं श्रेयस अय्यर को भी, क्योंकि यहां से मैच निकालना इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि जैसे पहले टॉप ऑर्डर ने बैटिंग की, जैसे फेल हुआ टॉप ऑर्डर राहुल, रोहित, कोहली, फिर अगर देखें ऋषभ पंत, उसके बाद इस तरह से जो है निकालना मैच अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और आज देख लें आर अश्वन, इस बंदे का मैं फैन हो गया हूं भाई, इसने पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही किया, वहां पर डोमिनेट किया इसने, और आज बांग्लादेश में एक ऐसे मैच में जो मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, इंतहाई जरूरी था ये मैच जीतना,
और अश्विन ने आके जो है वो अपनी मंजी ठोक दी है और बांग्लादेश को जो है वो बिल्कुल जो है वो एक्सपोज किया है। 3 विकेटें बांग्लादेश नहीं ले सका है, 3 विकेटें और आर अश्विन और साथ में जो है वो इसका क्या नाम है 74 के ओवर 7 विकेटें हो गई थी, 74 के ओवर 7 विकेटें और उसके बाद 145 तक लेके गए हैं और अनबिलीवेबल किस्म की ये विक्ट्री है, इसको हिस्टोरिकल विक्ट्री आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में आर अश्विन ने और श्रेयस अय्यर ने जो है 8वीं विकेट पे एक अनबिलीवेबल किस्म की पार्टनरशिप लगाई थी और मैच जो है वो निकाल के ले आए थे। और अश्विन का तो इसने पहले करके दिखाया है, हमने सिडनी में देखा, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा जैसे अनुमा विहारी के साथ इसने मिलकर मैच निकाला था, ऑस्ट्रेलिया की मंजी वहां पर ठोक दी थी, तो आज देख ले वो एक्सपीरियंस काम आया। ये कोई आम बंदा नहीं है, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो नंबर 2 पे आ रहा है इस टाइम अश्विन है, जो टेस्ट में अगर देखा जाए तो आप देखें कितना, यानी कि उसने जो है वो टेम्परामेंट उसका देखें और क्या कमाल की बहादुरी के साथ बाद में जो छक्के लगाए, छक्का लगाया और चौका लगाया बहादुरी के साथ बिल्कुल। ये मैच कहां से फिरा आपको पता है, ये मैच वहां से फिरा जब श्रेयस अय्यर ने 2 बॉलों पे 2 चौके लगा दिए थे, उसके बाद ना उसने रुकने का नाम लिया ना ही जो है वो इसने अश्विन ने रुकने का नाम लिया। और क्या मैदी हुसैन 5 विकेटें ली हुई थी उसने, क्या मैदी हुसैन और क्या शकीब सब प्रेशर में आ गए, उन्हें नजर समझ नहीं आ रहा था कि यार इनको आउट कैसे करें, विराट कोहली को आउट कर दिया, पुजारा को कर दिया, गिल को आउट कर दिया, राहुल को आउट कर दिया, लेकिन अश्विन के सामने बेबस नजर आए। पहली बात के होम टीम है उसे एडवांटेज है, टेस्ट क्रिकेट की 4थी इनिंग एशियन सॉइल्स पर कभी भी आसान नहीं होती भाई, जहाँ टर्निंग ट्रेडिशनल ट्रैक है, ये कोई मुल्तान की पिच थोड़ी थी कि रन बनते जाएंगे, उन्होंने तो एक खराब विकेट बनाई थी स्पिन से भी डरकर पाकिस्तान ने और दूसरे फास्ट बॉलर से भी डरकर के भैया बस यहाँ हम किसी तरह आउट ना हो भाई, ये तो ट्रेडिशनल विकेट थी, यहाँ पर आप किस तरह से बचोगे। मैं तो कह रहा था 200 रन पे तो हराल में बांग्लादेश, अब भी ये मैच जीत जाता, पर आपके लिए खुशी का साइन ये है कि भाई जब अश्विन की हम बात करते हैं हम कहते हैं भैया 5 सेंचुरीज हैं उसकी, उसके अलावा उसकी कई सारी 50s हैं, 13-14 के करीब 50 हो गए उसके, तो भाई अश्विन को किस लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर पाला जा रहा है। अब अश्विन को जो प्रेफर किया जाता है कुलदीप जैसे बच्चों पर वो इसलिए किया जाता है कि वक्त पड़ने पर अश्विन कोई बड़े जबरदस्त किस्म के 40-50-60 करके आपको टेस्ट मैच भी जितवा देगा। तो टुडे विल बी इज द डे ऑफ रविचंद्रन अश्विन, अय्यर को सपोर्ट रिक्वायर्ड थी इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी लड़के अब तक एक्सपोजर ले चुके इंटरनेशनल क्रिकेट का, कोई भी आदमी श्रेयस अय्यर से अच्छा स्पिन को नहीं खेलता जितना कमाल ये खेलता, और ही हैज प्रूव कि भाई मैं किस तरह का प्लेयर हूं, तो मेरे भाई ये लोग भी तो मैच जिताएंगे, अब नए हीरोज ढूंढो ना, क्या रोना लगाया भाई, कौन से आर आ रहे हैं, विराट विराट, अरे क्या कभी जिंदगी में भारत को कोई और मैच नहीं जितवाएगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई विराट कोहली ने ये बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेल के, अबे वो जब उसके लिए जरूरी नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में अगर रहने को ग्लोरी है तो विराट की इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ छुट्टियों के ऊपर भाई। हाँ। वो वाला खिलाड़ी नहीं है कि अपनी मतलब जानबूझकर फॉर्म भी खराब है, बल्ले भी बॉल नहीं आ रही, खेले जाओ खेले जाओ खेले जाओ। अबे भाई रोहित शर्मा भी तो नहीं था इस टेस्ट के अंदर, जो रोजाना सुन रहा है, जो हमें रोजाना सुन रहा है उसको याद होगा कि कुछ अरसे पहले हमने ये भी कहा था, हमारे मुंह से ये लफ्ज भी अदा हुए थे कि भाई श्रेयस अय्यर को मालूम है कि कप्तान 5-7 हो गए, मैं कहीं बहुत दूर हो गया हूं, तो भाई वो भी कोई कमजोर प्लेयर नहीं है, वो आएगा कमबैक करेगा, वो अपनी वीकनेसेस पर नेट्स में काबू पाएगा, वो शोर नहीं मचा रहा है, वो मेहनत कर रहा है। उसके बाद आप देखो ओडीआई क्रिकेट उठा लो चाहे टेस्ट क्रिकेट उठा लो, मतलब अय्यर से ज्यादा कंसिस्टेंट कोई नहीं है,